पल्लवी पुरी केस में अब एक और नया खुलासा हुआ है। आप सभी जानते ही हैं कि दिव्या खोसला ने पेरेंट्स की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, लेकिन अब उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से इस बात का खुलासा किया है कि क्या बच्ची की माँ भी इन सारी चीजों में शामिल है। अब पेरेंट्स की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे सीक्वेंस अगर देखे जाए तो ऐसा लगता है कि मानो बच्ची की कस्टडी के लिए ही माँ बाप दोनों मिलकर पर्ल को फंसा रहे हैं। दिव्या ने लिखा, इफ यूअर 5-year-old डॉटर इज रेप्ड, विल एनी फादर और मदर इग्नोर दिस एंड कीप फाइटिंग अ कस्टडी बैटल, कि अगर 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो जाए तो कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो इन सारी चीजों को इग्नोर करके कस्टडी की बैटल लड़ते रहेंगे। पिता ने कंप्लेन कराई थी 2019 में और उसके बाद उसने फिर केस क्यों परस्यू नहीं किया, क्यों जो है वो चुप हो गया चाइल्ड की कस्टडी मिलने के बाद, और अब एक बार फिर से उसने उस केस को तब रीओपन किया है जब कोर्ट में ऐसा लगने लगा था कि मानो उसकी मदर के पास अब कस्टडी चली जाएगी। तो अपनी माँ के पास वो कस्टडी जो है उस बच्ची की माँ के पास नहीं जाने देना चाहता था, और इसीलिए फिर से उसने इस केस को रीओपन किया। अब वो कहती हैं आगे, क्यों जो है एक माँ इतनी रिलैक्स फील कर रही थी उस कॉन्वर्सेशन में, जाहिर सी बात है उनका इशारा जो है एकता कपूर के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई है उससे है, इतनी रिलैक्स फील कर रही थी। अगर किसी माँ की बेटी के ऊपर ये बीती होती तो क्या वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक तरफ रख कर अपनी बेटी के लिए जस्टिस की मांग नहीं करती, और जो है वो जस्टिस के लिए लड़ती बेटी की कस्टडी के लिए थोड़े ना, वो तो अपनी बेटी की जस्टिस के लिए पूरी दुनिया उलट पुलट कर देती। लेकिन यहाँ पर तो जो माँ है वो तो पर्ल के साथ शूट भी कर रही है कई महीनों से, इतना ही नहीं अब माँ बाप दोनों जो हैं हमें मिलकर बताए कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। क्या आप ये बात समझ रहे हैं, ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप जो है एक इनोसेंट मैन की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, उसको आपने एक ऐसे आरोप में जेल भेजा है जो इतना ज्यादा गंभीर आरोप है कि उसको बेल भी नहीं मिल सकती है। यू क्लेम टू बी द विक्टिम बट इफ यू आर द रियल बट यू आर द रियल कल्प्रिट्स ऑफ दिस केस। आप अपने आप को विक्टिम कहते हैं लेकिन देखा जाए तो आप ही रियल कल्प्रिट हैं इस पूरे केस के, जो पर्ल पुरी पर इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं। अब जो है हमें इनके माँ बाप पर इंक्वायरी चाहिए, और साथ में उन्होंने इन दोनों के अरेस्ट हो जाए इसके हैशटैग भी यूज किए हैं। हालांकि फिल्म इंडो इन दोनों की आइडेंटिटी जो है पेरेंट्स की वो आपके सामने रिवील नहीं करेगा, और दिव्या ने उनकी आइडेंटिटी रिवील करते हुए ये कहा है कि इन दोनों की अरेस्ट होनी चाहिए और माँ बाप की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इस तरह का पोस्ट जो है अब दिव्या खोसला ने शेयर किया है।